तो सबसे पहले तो अगर पिछला वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो आप जा कर के देख सकते हैं। क्योंकि अगर वो आपने नहीं देखा तो फिर इस पार्ट में क्या कुछ हो रहा है वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। और GP स्पोर्ट्स वीडियोज़ ये हमारे चैनल की इंस्टाग्राम ID है, तो वहाँ पर भी आप जा कर के फॉलो कर सकते हैं। और अब शुरुआत करते हैं इस पार्ट की। और पिछले वाले पार्ट में हमने देखा कि 5 ओवर्स की बैटिंग हो चुकी थी दूसरी इनिंग्स की हमारी टीम की तरफ से, और 64 रन्स बना दिए थे इन दोनों ओपनर्स ने मिल कर के। और पहली ही बॉल पर जब इस तरीके की शुरुआत हो, मतलब इतनी ज़्यादा ऑफ साइड की बॉल को बिल्कुल उसकी लाइन में जाकर और पीछे की तरफ शॉट खेलना, वो लेग स्लिप के फील्डर के बगल से शॉट खेलना, वो कमाल का कुछ शॉट है। और यहाँ पर फिलहाल फील्ड चेंज कर दिया न्यूजीलैंड की टीम ने, पर ठीक है कोई बात नहीं, हम इसमें भी चौका लगा सकते हैं। और एक और लगाया है हमने चौका, और इस चौके के साथ शुभमन गिल ने इस ओवर में लगातार 2 चौके लगा दिए। और हम इस पार्ट की शुरुआत में ये कहने वाले थे कि पिछले वाले पार्ट में रोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, और यहाँ पर बहुत ही गलत ये हमारा फैसला था जो हम तुरंत रन के लिए दौड़ गए। और अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बॉल की लाइन में तो हम हैं, और ओ हो हो ये शॉट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, वो इस वजह से क्योंकि वो हम बॉल की लाइन में आ गए थे, लेकिन जब बॉल पड़ के बाहर की तरफ स्विंग हो, और इसीलिए वो स्लिप के फील्डर्स वहाँ पर उतने ज़्यादा लगाए इन्होंने, और ये वाली बॉल को उतना ज़्यादा स्विंग कराया नहीं, सीधी थी ये बॉल, पड़ करके सीधी आई और वैसा ही कुछ सीन था, और पढ़ करके एकदम सीधी नहीं आई, पढ़ करके वो अपनी लाइन पर वैसी ही रही, वो उस पाथ पर नहीं रही जो कि रहनी चाहिए। और फिलहाल सीन कुछ ऐसा हो चुका है कि 5.5 ओवर्स का मैच हो चुका है, और इसी ओवर में हमने 13 रन बना दिए और एक और चौका मिला है। और ये वाला चौका भी कमाल का है, पर ये ज़्यादा कमाल का इस वजह से है क्योंकि रोहित शर्मा के बैट से ये लगाया, और इसी के साथ 51 रन्स पूरे हो चुके हैं रोहित शर्मा के, और 26 बॉल्स में उन्होंने ये 51 रन्स बनाए हैं। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि यहाँ से ये अपनी इनिंग्स को और ज़्यादा आगे लेकर के जाएं, और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि दोनों ही बैट्समैन अपनी इनिंग्स को आगे लेकर के जाएं। और 28 रन्स पर अभी खेल रहे हैं शुभमन गिल, और पीछे की तरफ ये शॉट खेला है, और इसे एक शॉट के साथ ये टाइमिंग परफेक्ट है और मिलेगा एक और चौका। और वैसे ये टाइमिंग परफेक्ट थी, पर हमें लगा नहीं कि ये चौका मिल सकता है क्योंकि बॉल की स्पीड थोड़ी सी धीमी थी, पर ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर TS लिया बॉलिंग कर रहे हैं, और इनके ओवर में हमने पहली बॉल पर एक चौका लगा दिया है, 15 बॉल पर 32 रन्स पर खेल रहे हैं शुभमन गिल। और ओहो हो ये बॉल भी डॉट रही, और लगातार 2 बॉल डॉट हो चुकी है, पर ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर भी थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने पिछले वाले पार्ट में कहा था कि जब समय हो तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाया जाना चाहिए, और फिर जब लगे कि हाँ यहाँ पर शॉट लगाए जा सकते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल शॉट लगाएं, पर जहाँ पर ये लगे कि यहाँ पर अभी रन नहीं बन रहे तो वहाँ पर कोई गलती या कोई जल्दबाजी वो करने की ज़रूरत नहीं है। और फिलहाल इस बॉल पर हमने एक डबल लिया, और इस ओवर में कोई बहुत ज़्यादा रन्स नहीं आए, पर 7 रन आए और वो ठीक ठाक है। और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि वो जो पिछले ओवर में कोई ज़्यादा रन्स नहीं आ पाए वो हम इस ओवर में ले लें। और अभी हमने देखा कि एक कोई बॉलर है जिनकी इकॉनमी 6 है, तो ठीक है अभी हम थोड़ी देर और बैटिंग करें और थोड़ी देर और पार्टनरशिप बनाएंगे, उसके बाद हम सारे बॉलर्स की जो इकॉनमी है वो एक बराबर कर देंगे 10 के ऊपर। तो ठीक है अभी यहाँ पर फिलहाल बैटिंग करना ज़रूरी है, और ज़रूरी ये है कि दोनों ही बैट्समैन अभी थोड़ी थोड़ी और अपनी इनिंग्स को आगे लेकर के जाएं। और एक और ये परफेक्ट टाइमिंग है, और इस बार तो बिल्कुल मिलेगा एक चौका, और 55 रन्स पर पहुँच चुके हैं रोहित शर्मा इसे एक चौके के साथ। और ये तो बिल्कुल यहाँ पर तो बिल्कुल है वो फील्ड जिस पर कि चौका लगना चाहिए, पीछे की तरफ है ये शॉट और मिलेगा एक और चौका। और जब ऐसी फील्ड हो तो वो देखते ही हमको पता चल जाता है और ये लग जाता है कि हाँ यहाँ पर चौका मिल सकता है। हाँ इस बॉल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर फील्ड थोड़ी सी बदल दी है उन्होंने, पर कोशिश हम करेंगे, टाइमिंग हमारी परफेक्ट है, एक डबल मिल सकता है आसानी के साथ। और उस एक डबल के साथ 98 रन्स हो चुके हैं इंडियन टीम के, सिर्फ 2 रन दूर हैं अपने
सेंचुरी से इंडियन टीम, और 61 रन्स पर खेल रहे हैं रोहित शर्मा, और 30 बॉल्स उन्होंने अभी तक के खेली है, और इसे एक सिंगल के साथ 99 रन्स हो चुके हैं, एक रन दूर, और इस बॉल पर कुछ रन्स लेने की कोशिश कर रहे थे। वैसे उस तरफ ज़्यादा शॉट खेला नहीं जा सकता क्योंकि ये स्पिन बॉलर हैं और उतनी ज़्यादा तेज़ हमारी टाइमिंग या उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ बैट से बॉल निकल नहीं रही है, तो कैच आसानी से हो सकता है जो बगल का फील्डर है। पर ठीक है, अब क्योंकि ये शॉट पर चौका मिल गया है तो इसको फ़िलहाल थोड़ा सा एक चीज़ अभी यहाँ पर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि 62 रन्स पर रोहित शर्मा खेल रहे हैं, 38 पर खेल रहे हैं शुभमन गिल, तो दोनों ही बैट्समैन अभी तक के थोड़ा बहुत ठीक ठाक खेल रहे हैं, तो अब हम कोई भी बड़ी गलती नहीं करेंगे, मतलब रन के लिए जल्दबाजी में दौड़ना या फिर जैसा कि अभी हमने चौका लगाया वो फील्डर के बगल से, वो बगल का फील्डर वहाँ पर कैच भी कर सकता था, तो वो चीज़ भी नहीं करेंगे। जहाँ पर आसानी से रन्स मिल जाएँ वही चीज़ अभी हम फिलहाल करेंगे, और एक चौका बटोरा है हमने इस बॉल पर, और 107 रन हो चुके हैं हमारी टीम के, और 594 रन्स चेज करने, और जब 594 रन्स चेज करने की हमने शुरुआत की थी तो पिछला वाला पार्ट जैसा कि हमने उसमें कहा भी था अगर आपने देखा हो तो, और अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो आप जा कर के देख भी सकते हैं। तो हमने उसमें ये कहा था शुरुआत में जब हम चेज करने जा रहे थे, तो हमने शुरुआत में ये कहा था कि एक 50 रन्स की पार्टनरशिप का हम टारगेट रख रहे हैं, और यहाँ पर फिलहाल अभी सीन कुछ ऐसा है कि 109 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। और GP स्पोर्ट्स वीडियोस ये हमारे चैनल की इंस्टाग्राम आईडी थी, तो वहाँ पर भी आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं। यॉर्कर लेंथ की ये बॉल है और LBW का डिसीजन दिया यहाँ पर अंपायर ने, और बिल्कुल हम बॉल की लाइन में थे, बिल्कुल इम्पैक्ट हुआ था, पर अब क्योंकि ये पहला ही विकेट है और हम नहीं चाहते कि पहला विकेट इतनी आसानी से गिरे, तो हमने बिल्कुल यहाँ पर मांग की है DRS की, और देखते हैं हमारे पक्ष में अगर DRS का फैसला रहा तो बिल्कुल ये आसानी के साथ पिचिंग इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन, विकेट हिटिंग, और बहुत ही अच्छा ये विकेट है। और यहाँ पर अभी शुभमन गिल जा रहे हैं, और ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया ये विकेट, मतलब इस बॉल को ये कैसे नहीं कनेक्ट करा पाए। 21 बॉल्स में 38 रन्स बनाए इन्होंने, और पहली वाली जो इनिंग्स थी उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बनाए थे इन्होंने, पर ठीक है कोई बात नहीं। अभी चेतेश्वर अरविंद पुजारा आ चुके हैं, हमारे फेवरेट बैट्समैन और टेस्ट मैच के हमारे फेवरेट बैट्समैन, और अभी ये बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि इनकी इनिंग्स को हम थोड़ा ज़्यादा आगे लेकर के जाएं। और वैसे शुभमन गिल ने कोई बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, पर फिर भी एक मतलब 108 रन्स की जो पार्टनरशिप हुई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। यहाँ पर फिलहाल एक ब्रेक हो चुका है और शायद वो लंच ब्रेक है, 67 रन्स बनाए हैं रोहित शर्मा ने, और इनकी आगे की इनिंग्स हम अगले पार्ट में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर समाप्ति करते हैं हम इस पार्ट की।